हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। कवर कर रहे हैं सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसका रहेगा पार्ट 5। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा यूपीएससी सीएपीएफ की नोटिफिकेशन आ गई थी, उसकी लास्ट डेट है 20th मई, तो मेरा एक बार फ़र्ज़ बनता है आपको याद दिलाना। अगर आपने ये एग्ज़ाम फेल नहीं किया तो फिल कर लीजिए, जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ये जो वीडियोस है सीडीएस की, क्वेश्चंस जो है ये सीएपीएफ के लिए भी करंट अफेयर्स की सीरीज हेल्पफुल रह सकती है। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया और करना चाहते हैं तो आप 8699247491 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाए, इस पर काफ़ी जो है पिछले 1-2 महीनों में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है। इवन इस बार जो था बीजेपी का एजेंडा भी था, उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उन्होंने उसमें भी कहा है कि वो आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं क्वेश्चन थोड़े से कई बार डिफ़िकल्ट फ्रेम इसलिए करता हूँ कि जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे कम लेवल का जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीडीएस में सारे ही क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के इतने बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यही है कि जब आपको एक चीज़ के बारे में, किसी करंट टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो आप 1-लाइनर क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। वहाँ पे इनमें से कोई एक बात आपको जाकर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो देखते हैं, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा और इसको ध्यान से समझना। स्टेटमेंट 1, एज पर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एक्सटेंडिंग एनी सेंट्रल लॉ टू जम्मू एंड कश्मीर द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। यानी कि अगर हमें कोई भी सेंट्रल लॉ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है उसको जम्मू एंड कश्मीर तक एक्सटेंड करना है तो उसमें क्या है, क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस यानी कि उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है? क्या हर एक चीज़ में ऐसा है? क्योंकि फॉर एक्सटेंडिंग एनी सेंट्रल लॉ की बात हुई है। तो अब इस पॉइंट के द्वारा मैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ बात, वो क्या है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें J&K की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? डिफेंस के रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए हमें J&K से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिफेंस के रिलेटेड लॉ बनाती है या कम्युनिकेशन के रिलेटेड लॉ बनाती है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स का उसमें रिलेशन है तो उनको J&K की परमिशन नहीं लेनी होती। उसके अलावा उनको परमिशन चाहिए J&K की जो असेंबली है उनकी। यानी कि पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। तो ये जो हमें परमिशन मिली थी डिफेंस के रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स के रिलेटेड, ये हमें मिली थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था उससे। आगे देखते, अब दूसरा पॉइंट देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जब J&K को इंडिया के साथ मिलाया गया था, J&K का जो है उनको परमिशन दी हुई है कि वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। उन्होंने अपना संविधान खुद बनाया हुआ है, संविधान भी उनका है, झंडा भी उनका अपना अलग है। तो अब इसके अलावा दिक्कत क्या थी, जब ये संविधान बनाया गया था वो किसने बनाया था? जब J&K को इंडिया में इंक्लूड किया गया उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, संविधान बनाया और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1957 में अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जो काम करती है वहां पे वो नॉर्मल, जैसे हमारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है वही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अबॉलिश कर दिया गया 1957 में। उसके बाद से वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही है जो जैसे नॉर्मल वोटिंग होती है उसके द्वारा जो हमारे लोग चुने जाते हैं वो जो असेंबली चलाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है J&K की, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर हमें सही से प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा
क्या करना है, आर्टिकल रिमूव करना है 370, तो कैसे होगा? आर्टिकल 370 कैन बी डिलीटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 370 में जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 370 को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पास करे, पहले कहे कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दो और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 370 जो है हटाया जा सकता है। तो ये हो गई दूसरी बात। यहाँ पे फ़र्क क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली इस वक्त जो चुनी गई है वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है परमिशन होनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में ही क्या हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, अगर वो सहमति देंगे तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 370 को डिलीट किया जा सकता है। तो ये दोनों होगी स्टेटमेंट्स ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई गलत। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अब ये तो हो गई बात कि कैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जे एंड के का आर्टिकल 370 ख़त्म किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या है इसके अलावा, क्योंकि जब इसको इनको संविधान बनाने की परमिशन दी थी, हमारे यहाँ का संविधान के जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो तो इन पर लागू नहीं होते, लेकिन दो आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जो जे एंड के हैं वो जे एंड के पर लागू होते हैं। हमारे संविधान में ही आर्टिकल 1 भी और आर्टिकल 370 भी, और हमारा आर्टिकल जो है 368 जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो 360 आर्टिकल है वो ये कहता है कि इंडिया के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, अनलेस जो केशव भारती की जो केस में जजमेंट आई थी कि वो जुडिशियल रिव्यू होगा उनका, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करे। अब जैसे मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी अगर सरकार मेजॉरिटी से आएगी हम आर्टिकल 370 ख़त्म करेंगे, उनके कहने का क्या मतलब है? उनके कहने का मतलब है कि वो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करेंगे कि किसके तहत, कि हमने अमेंडमेंट करनी है आर्टिकल 368 के तहत और आर्टिकल 370 को रिमूव करेंगे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो भी जाता है मेजॉरिटी के साथ, तो उसके बाद ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है या नहीं। क्यों? इसके भी और भी काफ़ी कारण हैं। सबसे पहले जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था और जे एंड के इंडिया का पार्ट बना था, तब क्या दिक्कत आई थी? ये जो क्लॉज उस वक्त साइन किए गए थे उन क्लॉज में एक क्लॉज ये भी था कि कल को इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग नई अमेंडमेंट नहीं ला सकती। तो इस वजह से ये केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो इतना आसान नहीं है इवन हमारी लोकसभा और राज्यसभा अगर 368 आर्टिकल के तहत इसको अमेंड भी कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है चर्चा का विषय है। इसके अलावा पाकिस्तान भी उसके बाद, क्योंकि अगर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट करती है तो पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ गलत किया है इस मुद्दे को लेकर। तो इसमें इतना आसानी से नहीं हो सकता। सबसे आसान तरीका यही था जो मैंने आपको बताया है, जो लीगल वे है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे एंड के की बने और वो खुद कहें हमें अपना अलग संविधान नहीं चाहिए, अलग फ्लैग नहीं चाहिए, हम इंडिया में इंक्लूड होंगे। तो इस पर काफ़ी चर्चा का विषय था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है जे एंड के पास और CDS में हर बार क्वेश्चन आए हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसके लिए तो आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बार क्या किया था, 11 बजे का टाइम दिया था कि मैं आकर बताऊंगा, कुछ अनाउंस करूंगा। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया अब स्पेस पावर बन चुका है। इंडिया ने क्या टेस्ट किया, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ASAT कह सकते हैं इसको, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट 1, इंडियाज एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिड नॉट कैरी एनी एक्सप्लोजिव और अम्यूनिशन बट यूज ओनली इट्स कैनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सैटेलाइट। बिल्कुल सही है, इन्होंने सैटेलाइट को जो था डिस्ट्रॉय किया था,
तो अब इसमें कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं यूज किया गया, आपको ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है उन्होंने डिस्ट्रॉय कैसे किया, सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके। दूसरी चीज, इंडिया फोर्थ कंट्री बना है ये जो मॉडर्न कैपेबिलिटी है इसको अक्वायर करने वाला फोर्थ कंट्री। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया से पहले कौन सी तीन कंट्रीज ने ये कारनामा किया हुआ है। तीसरी चीज, क्या एंटी सैटेलाइट जो हमारी मिसाइल है ये डेवलप की गई इसरो के द्वारा? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई किसने है? तो ये बनाई है DRDO ने। इसके अलावा आपका आज एक और होमवर्क है, आपने फुल फॉर्म बतानी है नासा की। और अगर विदाउट गूगल सर्च जो भी बताएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। और इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो पहली दोनों करेक्ट है, क्योंकि ASAT मिसाइल जो है इसरो ने नहीं बनाई, ये बनाई है DRDO ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, विच सिटी वॉज रिसेंटली अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? इंदौर जो है लगातार तीसरी बार क्लीनेस्ट सिटी कह सकते हैं आप, फर्स्ट अवार्ड मिला है। इंदौर हमारी क्लीनेस्ट सिटी भी है इंडिया की, और लगातार तीसरी बार अपनी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में बचाने में जो है कामयाब हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान का ही ये नतीजा है, लोगों को प्रोत्साहित करना कि अपने शहर को साफ रखें, इसी वजह से ये अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इंडिया की कैपिटल सबसे स्वच्छ है, साफ है, क्लीनेस्ट है? वो है भोपाल की, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। कौन सी कैपिटल सिटी सबसे स्वच्छ है, क्लीन है? भोपाल। और ओवरऑल सिटी पूछी जाए तो फिर इंदौर। और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में फर्स्ट प्राइज किसको मिला? तो वो भी मिला इंदौर को। और ये भी देखा गया कि इंदौर में लगभग 70% तक जो हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो कम हो गई हैं पिछले एक दो सालों में। यानी कि स्वच्छता का क्या नतीजा हेल्थ पर निकल के आ सकता है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है इंदौर से। तो चलिए चलते हैं आगे। बोलो ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय, ऐसे क्वेश्चन आपको CDS में हर बार देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका सोशली भी कोई ना कोई जो है इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे आपको CDS में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बोलो ऐप ये लॉन्च की गूगल ने लॉन्च किया। बोलो ऐप है क्या? बोलो ऐप में जो है हमारे जो हम बोलते हैं स्पीच है, वॉइस है, उसको रेकोगनाइज करेगी ये ऐप। किनके लिए बनाई गई है? जो हमारे रूरल एरियाज हैं, विलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, मेजरली कौन से बच्चे? जो अभी छोटी आयु के हैं, जो 4th-5th क्लास से छोटे हैं। ये ऐप क्या करेगी? इसमें लगभग उन्होंने ना 50 कहानियाँ 50 स्टोरीज ऐड की है इंग्लिश में, और जब बच्चा उसको बोलेगा, अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकता है बच्चा उसको बोलेगा, तो बोलो ऐप उसकी वॉइस डिटेक्ट करेगी और मीनिंग भी बताएगी हर एक वर्ड का, और ये भी बताएगी अगर उसकी प्रोनंसिएशन कहीं पे गलत हो या कोई और गलती करे तो ये ऐप उनको बताएगी, जिसकी वजह से हमारे रूरल इलाके के जो बच्चे हैं वो भी सीख सकेंगे। अभी के लिए उन्होंने 50 स्टोरीज ऐड की थी, धीरे धीरे वो और भी इस ऐप में चीज़ें जो है ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी ऐप है, आप भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार ट्रिब्यूनल्स के रिलेटेड कोई आपको स्टेटमेंट मिल जाती है, या कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि उनके पास पावर है कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। एक चीज़ बिठा लीजिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओनली टू सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास नहीं है, सिर्फ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है पनिश करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल एज पर 2013 एक्ट? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लोकपाल को चूज करने के लिए कमेटी का कौन कौन मेंबर था, अगर आपको अभी तक याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी कि लोकपाल में जो एक्ट है उसमें कंपोजिशन कितनी है। एक तो है चेयरपर्सन और उसके साथ होंगे 8 मेंबर और। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कंपोजिशन क्या है लोकपाल की, वो है एक चेयरपर्सन होगा और उसके अलावा 8 मेंबर्स होंगे। अगला क्वेश्चन,
सी विजिल ऐप, आपको पता है अभी अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद लास्ट टाइम ये CDS में एक बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये दोबारा किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, शायद CAPF में पूछा जा सके क्योंकि अभी अभी इलेक्शन चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी विजिल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सी विजिल ऐप किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, और जिन्होंने भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, मिनिमल चार्जेस हैं उसके, और उसका व्हाट्सएप नंबर है 8699247491। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।